प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ तपश्चर्या करने से किसी किसी को गुस्सा क्यों आता है? हमने देखा है कि गंगोत्री में बर्फ में बैठे हैं, लेकिन वहां भी ज्यादा गुस्सा आता है। दुर्वासा ऋषि बड़े तपस्वी थे, अम्बरीश के ऊपर उन्होंने बड़ा गुस्सा किया। ऐसा कोई पुरुष या स्त्री जगत में है जिसको गुस्सा ना आता हो? मां, जब तक परमात्मा की प्राप्ति अथवा पूर्ण आत्म स्वरूप में स्थिति ना हो, अथवा पूर्ण रूप से सब ग्रंथियों का भेद ना हो, तब तक गुस्सा आवेगा। इसी बीच माँ के एक भक्त ने माँ के आश्रम में घटी क्रोध से संबंधित एक घटना का उल्लेख किया। माँ के काशी आश्रम में एक हॉल था, अब वह हॉल नहीं रहा, गंगा मैया ने वहां आसन लगा लिया है। उसके कमरे में माँ के एक परम भक्त रहते थे। एक दिन जिस समय वह कहीं बाहर गए हुए थे, उसी दिन उसी समय आश्रम में कोई दूसरा भक्त आ गया जो बहुत बीमार था। माँ ने कहा, यह व्यक्ति बीमार है, इनको जल्दी जगह दो। माँ के आदेश से जिस कमरे में वे पहले भक्त रहते थे, उसी कमरे में भक्त के बिस्तर को हटवाकर रोगी का बिछौना बिछवा दिया गया। आधे घंटे के बाद जब वह भक्त आए तो यह सब देख उन्होंने गुस्से से पूछा, मेरा बिस्तर किसने हटाया है? किसी ने कहा, माँ ने यहाँ रखवाया है। उन्होंने माँ से कहा, माँ तुमको क्या अधिकार है कि मेरे बिस्तर को नीचे रखकर दूसरे किसी को वहां लिटा दिया है? माँ ने उस समय क्या उत्तर दिया था जानते हो? माँ ने शांति से कहा, मेरी गलती हो गई। प्रश्न, मान लो किसी ने माँ की तस्वीर फेंक दी, क्या हमको गुस्सा ना आएगा? माँ, किसी भी हालत में क्रोध का आना अच्छा नहीं है, सोचो इससे तुम नीचे गिर जाओगे। प्रश्न, मान लो कोई माँ की निंदा कर रहा है, क्या उसको कुछ कहना नहीं चाहिए? माँ, सोचो उस रूप में माँ ही बोल रही है, दूसरा कोई है ही नहीं। प्रश्न, रामायण में लिखा है कि हरि और गुरु की निंदा सुनना गौघात के समान है। माँ, जिस स्थिति में जो रहता है वह उसके अनुसार करेगा। जहां गुरु की निंदा होती हो वहां से चले जाओ, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार बात होगी। प्रश्न, इसको क्रोध कहेंगे कि नहीं? माँ, क्रोध को क्रोध नहीं कहोगे तो क्या पानी कहोगे? प्रश्न, क्रोध हटा कहाँ? माँ, क्रोध के शमन के बारे में महात्मा लोग कितने सुंदर सुंदर तरीके बताते हैं। प्रश्न, माँ हम तो साधारण मनुष्य हैं, बड़े बड़े व्यक्तियों को भी जैसे कपिल जी को भी क्रोध आ गया। माँ, सिर्फ भगवान की तरफ जाने की ही आलोचना करनी चाहिए, किसी भी अप्रिय बात की आलोचना करना ठीक नहीं है। लोगों को ऐसी बातों में रुचि होती है और चर्चा शुरू कर देते हैं, स्थिति मान लोग गुस्सा की बात लेते ही नहीं। गुस्से की चर्चा करने से, दोष वर्णन करने से लौटकर दोष करने वाले के ऊपर आ जाता है, उसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ख्याल करो, क्रोध साधन भजन में बहुत बड़ा विघ्न है। महात्मा का गुस्सा तो पानी की लकीर जैसा है, वह गुस्सा साधारण गृहस्थी के गुस्से के समान नहीं है। जितना जितना सत्व गुण बढ़ता जाएगा उतना उतना गुस्सा ढीला पड़ जाएगा। कितना सुंदर है, इस ढंग से रहने से गुस्सा नहीं आता है। अच्छे गुण में पंडित हो जाए तो गुस्सा नहीं आता। और एक बात, स्थिति की दृष्टि से अनंत स्थितियां हैं, जहां अखंड पूर्णता है वहां की बात अगर कही जाए तो वहां गुस्सा करने वाला, गुस्सा सुनने वाला और गुस्सा अलग नहीं है, खुद वही है।
वहां गुस्सा की अलग रूप से बात नहीं आ सकती। ब्रह्म तेज की बात जहां है वहां तो एकम ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति है, वहां गुस्सा भी ब्रह्म तेजमय है। यह शरीर जब ढाका में था तब किसी ने कहा था कि ऋषि मुनि क्रोध से किसी किसी को भस्म कर देते थे। यह शरीर तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, उस समय तो बहू के रूप में था, लंबा घूंघट था सिर पर। उस समय कहा था कि कम से कम एक बात का ख्याल करो कि जो ऋषि मुनि अपने तेज से भस्म कर सकते थे वे लोग अपनी शक्ति से उसको फिर से जिंदा भी कर सकते थे। यदि वैसी शक्ति तुम में भी है तब तो तुम गुस्सा कर सकते हो। प्रश्न, रजोगुण की सृष्टि में गुस्सा रहना चाहिए, सृष्टि जब तक रहेगी गुस्सा कहां जाएगा? मां, तुम जहां खड़े हो वहां से ऐसा ही दिखता है। ठीक है, गुस्सा तो हो ही रहा है, संसार माने संशय का स्थान, अज्ञान में सारा गुस्सा आता ही है। प्रश्न, नैमिषारण्य में सीता पाताल में चली गई, क्या गुस्सा करके पाताल में चली गई? मां, सीता के पाताल प्रवेश में ऐसे गुस्से की बात नहीं है, इसमें और कोई बात है। इस ढंग के गुस्से की बात नहीं है, कोई स्थान होता है जहां अपने स्थान में जाना पड़ेगा। सीता कहां नहीं है, राम सीता कहां नहीं है, सब में राम सीता मौजूद है। प्रश्न, सब राम नहीं है, सब में राम है? मां, एक राम ही है, राम ही राम है। राम कहो या कृष्ण कहो, काली कहो या दुर्गा कहो, जो कहो वही है, सब में सब है, सब जगह सब है। प्रश्न, सती पार्वती काली रुद्र भगवान ये सब क्रोध रूपी नहीं है? सीता रुद्राणी काली ने भी क्रोध करके शत्रुओं को मारा? मां, चंडी रूप धारण करके मारा, ध्वंस होने वाले का ध्वंस कर रहा है, ध्वंस के रूप में उनका कल्याण कर रहा है। जैसा बच्चे को थप्पड़ लगाना, धक्का देकर यात्रा, मां जो करे क्योंकि वह परम पिता परमात्मा परम बंधु है, जो करे वही ठीक है। स्थान विशेष से बात आती है, अच्छी तरह से साधन चले तो बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, क्रोध आवे तो फिर साधन कहां हुआ। भगवान से बार बार प्रार्थना करो कि हे प्रभु हमारे गुस्से को कृपा करके हटाओ, क्रोध रूपी बाधा से तुम्हारे शरीर मन का कितना ह्रास हो रहा है, बाधा का स्थान रहता है। अच्छी तरह से यदि साधन में लग जाए तो फिर बाधा रहती नहीं। जैसा भी हो चेष्टा करो कि कभी गुस्सा ना आए। बाहर में साधन भजन करो और भीतर से भी पुकारो, भगवान के कार्य में गुस्सा आ जाए यह ठीक नहीं है, सोचो कि भगवत पथ में यह बाधा है। गुस्सा होने से भगवत गति से बाहर हो जाता है, गुस्सा साधन भजन में विघ्न है। गुस्सा आने पर भगवान को पुकारो, भगवान के पास प्रार्थना करो। प्रश्न, क्रोध क्यों छोड़े, वह तो भगवान का दिया हुआ है। मां, हमको भगवत दृष्टि नहीं इसलिए ऐसी बातें होती हैं। क्रोध क्यों छोड़े, भगवान ने मनुष्य शरीर भगवान का भजन करने के लिए दिया है, फिर क्रोध के ऊपर इतनी प्रियता क्यों? प्रश्न, क्रोध भगवान को दे दें या क्रोध को दबा दें, कैसा करें? मां, सब कुछ भगवान को अर्पित करो, इससे गुस्सा शिथिल होगा। एक है अर्पण करना और एक है अर्पण होना, अर्पण हो जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की।